हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मेरे फ़ोन का ना कैमरा ही ख़राब हो गया था, मतलब बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था। बैक से तो दिख रहा था बट फ्रंट से कुछ नहीं दिख रहा था, तो अभी थोड़ा इसे थप्पड़ मारा फिर सही हुआ। और मॉर्निंग ही, वैसे आफ्टरनून का टाइम हो गया, 12 बज गए, तो मॉर्निंग से कोई ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, तो कोई स्टार्ट नहीं किया ब्लॉग, क्योंकि ना आज मौसम दिखाऊँ तो सुबह से ही बारिश हो रही है। यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है तो फिर मन भी नहीं हुआ, जबकि सुबह तो जल्दी उठ गई थी। और आरव की भी तबीयत सही नहीं है, रात भर सोने नहीं दिया उसकी, ना नाक के दोनों नाक बंद हो गई थी, तो परेशान रहा बेचारा। क्योंकि होता है ना, सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस ली नहीं जाती है, और मेरे तो गले में हो ही दर्द रहा है। तो ये ठंड, हमें बोलते हैं ना हम गर्मी में रहते हैं ना, तो हमें सूट नहीं हो रही ये ठंड। और हम अब लग रहा है कि गर्मी ठीक है, कम से कम ना आ जाए 2-3 बार कुछ भी कर लो, और ठंड बिल्कुल सूट नहीं हो रही। और आज सुबह से ही बारिश है, तो मन भी नहीं हो रहा था कुछ स्टार्ट करने का, ब्लॉग स्टार्ट करने का। फिर मैंने कहा अभी चलो कर ही देती हूँ स्टार्ट, चाहे ना बने कल बने कुछ क्लिप, आज के ले लूँगी, एक दिन छोड़ के डाल दूँगी, बट स्टार्ट तो करना। आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए ये कबूतर यहीं रहता है, या तो यहाँ पर रहेगा यहाँ पे, या फिर ये देखो सफ़ेद कबूतर, फिर जब कैमरा स्टार्ट ही नहीं वाला, मैंने कहा वैसे ही मन नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का, अब तो फ़ोन ने भी साथ छोड़ दिया, तो मतलब इसमें ना मैंने ये सेकंड, मतलब जो ओरिजिनल कैमरा था वो ख़राब हो गया था मेरा पिछले साल शायद, तो फिर ये दूसरा ही लगवाया था, तो मैंने कहा इसीलिए ये चल नहीं रहा। और यहाँ पे मैं व्लॉग स्टॉप करती हूँ तो आवाज़ भी नहीं आती, क्योंकि गंगा जी की आवाज़ ज़्यादा रहती है, तो बस यही है। और ये जो कुंडल मैंने लिए थे ना, तो कुंडल ना मेरे जैसे मेरे पहले भी थे ही ऐसे कुंडल, इससे चौड़े थे जाल, वो ना पूरे अंदर जा रहे हैं, जो कान के छेद हैं ना इसके पूरे अंदर जा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ लेके? यही हुआ, मतलब थोड़ा मूड इसलिए भी ऑफ था, पूरा अंदर जा रहा है फिर उससे और कान के छेद बड़े हो जाएंगे, तो वो मुझे चेंज करने, मुझे ना जो पसंद आए थे सुई धागे शायद वो ही लूँगी मैं, या फिर कुछ और देखती हूँ। बट कुंडल तो जब कान के अंदर ही जाने तो फ़ायदा क्या है, फिर ना छेद और बड़े हो जाएंगे कान के, इसीलिए मैंने पहले वाले कुंडल पहने नहीं थे। तो अभी मैंने नेल पेंट लगाया, और अभी तक मेरे मामा की बेटी आई थी ना, तो उसके साथ बैठे ही थे हम, तो बस बैठे हुए थे, तो व्लॉग स्टार्ट कर दे। ये देखो नीचे सुन रहे हैं, तो बच्चों को नहलाना था लेकिन फिर नहलाया नहीं, क्योंकि ठंडा हो रहा है पहले ही, तो तबीयत ख़राब ना हो जाए इस वजह से नहलाया नहीं। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। मेरी भाभी पहले ही हट गई कि मैं छा जाऊँगी कि थंबनेल में, इसीलिए पहले ही किनारे हो गई। तो हम अभी जा रहे हैं मार्केट, 6:30 हो गए हैं और मार्केट जा रहे हैं। लो छा गया। तो छा गई हैं भाभी, इसीलिए सब किनारे हो जाते हैं। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और यात्रियों की भीड़ है। जय काशी विश्वनाथ।
मैं आज रात आराम ठीक से सोया, सोने में तो उसने कोई प्रॉब्लम नहीं करी, बट मुझे ही परेशानी हुई, खांसी खांसी खांसी। तो बस तबीयत ऐसे चल रही है, मौसम ठंडा है और आज तो धूप आ गई है, जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे पहाड़ों, धूप आ गई है आज। चलो तो फिर थोड़ा ये कि राहत रहेगी, तबीयत सही रहेगी, मतलब ये है। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह है, मॉर्निंग का टाइम है, वीडियो एंड कर देती हूँ, फिर 9 बजे पब्लिश करती हूँ। अभी 7 बज रहे हैं, 7 पूरे बजे भी नहीं है, बजने वाले हैं 7। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी एंड कर देती हूँ, कल से स्टार्ट किया है और अब जाना भी है ससुराल अपने। तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।